आज आपको मैं दो मज़ेदार कहानियाँ सुनाऊंगी और दोनों मज़ेदार कहानियाँ बहुत छोटी छोटी सी होंगी, लेकिन आपको ज़िंदगी के बहुत अच्छे लेसन्स दे के जाएंगी। एक बार एक अधिकारी, उच्च अधिकारी, अपनी पत्नी के साथ हिल स्टेशन पे घूमने गए तो जगह जगह पे बड़े सुंदर जो वहाँ की पक्षी होती है उसके घोंसले थे। वो घोंसले जो है, उन्होंने गाड़ी रुकवाई, अपने ड्राइवर से बोला, ये घोंसले देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। पत्नी उतर कर आई, बोली, तोड़ो इन घोंसलों को और तोड़ कर मेरे साथ ले चलो, मैंने अपने घर में बंगले में सजाऊंगी। तो बहुत देर तक बोलने के बाद भी अधिकारी के ड्राइवर ने वो घोंसले नहीं तोड़े। तो गुस्सा आ गया अधिकारी को, उसने पूछा, भाई तुम्हें मैं घोंसले तोड़ने के लिए बोल रहा हूँ, मैडम ने कहा तोड़ो उसको लाओ। तो उसने बोला, नहीं मैं घोंसले नहीं तोड़ूंगा, ज़रूरत पड़ेगी तो आपकी नौकरी छोड़ दूंगा। उन्होंने बोला, ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला, इसके अंदर छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, जब शाम के टाइम चिड़िया वापस आएगी और अपने बच्चों को नहीं देखेगी तो उसका मन रोएगा और मैं किसी माँ को तकलीफ़ नहीं पहुँचा सकता। अधिकारी वापस अपनी गाड़ी में बैठ गया और हिल स्टेशन घूमने की जगह घर लौट के वापस आ गया। उन्होंने अपनी जीवनी में ये बात को लिखा कि केवल शिक्षा से इंसान को सब कुछ नहीं मिलता। मैं इतना पढ़ा लिखा होकर इतनी बात नहीं समझ पाया कि अपनी पत्नी के घर को सजाने के लिए या उसकी इज्जत पूरी करने के लिए मैं शायद किसी का घर तोड़ने जा रहा था, शायद किसी माँ को उसके बच्चों से दूर करने जा रहा था। तो इट इज़ नॉल अबाउट यू कि आप बहुत पढ़ लिख जाते हो तो आप शिक्षा प्राप्त कर लेते हो, आप बड़े समझदार हो जाते हो। कई बार आप बिना पढ़े लिखे भी बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। ये तो एक कहानी है। दूसरी ज़िंदगी की जो कहानी है वो आपकी आँखें इसलिए खोलेगी क्योंकि आँखें खोलना मंगल के साल में बहुत ज़रूरी है। मंगलवार है, कल हनुमान जी की पूजा, आराधना, अर्चना, सुंदरकांड, बजरंग बाण जरूर कीजिए, रक्तदान कर सकते हैं, करिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, मंगल इस वक्त अपने ही खुद के घर में बैठ के रोचक योग बना रहा है मेष राशि में। ये कल के जो रिजल्ट्स आने वाले हैं उसमें ये रोचक योग जिन नेताओं की कुंडली में मंगल की स्थितियाँ अच्छी हैं उनकी बल्ले बल्ले करने वाला है। अब मज़ेदार आपको दूसरी कहानी बताती हूँ जो बहुत ही छोटी और शॉर्ट कहानी है, जिसे आपको जीवन के अंदर कुछ सीखने के लिए मिलेगा। जब हम सुबह उठते हैं और उठकर अपने घर से बाहर निकलते हैं, अगर हम अपने घर की शुरुआत घर से लड़ाई झगड़े कर करते हैं तो यकीनन हमारा आगे का जीवन भी बेकार जाता है। आज रमेश उठा, सुबह उठते ही उसकी मदर के साथ उसकी लड़ाई हो गई, उसके बाद उसकी पत्नी से उसकी लड़ाई हो गई, उसके बाद उसी की सोसाइटी के गार्ड से उसकी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई और सभी जगह पर उसका शॉर्ट टेम्पर होना, उसका मूड स्विंग्स और एन्जाइटी होना ही बहुत ख़राब था। लेकिन अपने गुस्से और कड़वी जबान में उसने घर परिवार वालों को इतना गंदा बोल दिया कि सबका दिल दुख गया। पहुंचा ऑफिस और बहुत अच्छे मूड से अपने आप को ऑफिस के बाहर टक 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 पुश किया और बोला कि बिल्कुल भी नकारात्मक नहीं सोचूंगा और कुछ नहीं कहूंगा, अब घर की प्रॉब्लम घर में, यहाँ बहुत नॉर्मल रहूँगा। लेकिन जब आप घर वालों का दिल दुखा के घर की शुरुआत गलत तरीके से करते हैं तो उसका इम्पैक्ट आपके जीवन में, आपकी प्रोफेशन, पर्सनल लाइफ में आता है। बॉस ने जाते ही बोला, ऑफिस में बिल्कुल काम नहीं चल रहा है, सैलरीज देना मुश्किल है, ये तुम्हारी महीने की सैलरी है, अगले महीने से काम कहीं और ढूंढ लो, मैं तुम्हें और आके नहीं रख पाऊंगा, इसके लिए आई एम वेरी सॉरी। इन शॉर्ट वाइल इन कहानी में सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि घर से जब निकलें तो लड़ाई झगड़ा प्रॉब्लम्स और लड़कर घर से कभी भी ना निकले, घर से पॉजिटिव ऑरा, अच्छी बातें और परिवार का सानिध्य और उनका सहयोग लेकर निकले, तब जीवन बहुत खूबसूरत रहता है। कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा, आपको कहानियाँ दोनों कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, अगर मेरे परिवार में से कोई भी नेता है और कल उसकी ज़िंदगी का फैसला होने वाला है तो गॉड ब्लेस यू। जय माता दी।